हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्वार्टर थ्री से जुड़ी हुई रिजल्ट आने वाली तीन कंपनियाँ। आप सभी लोगों को मैं नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मैरिको से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैरिको के रिजल्ट कैसे आए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके ओपन आपके सामने कर दिया है। सो रिजल्ट कैसे रहे उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप मैरिको के शेयर होल्डर हो तो आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 3.25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आप लोगों को यहाँ पे मैरिको ने डिक्लेयर कर दिया है, विच इज़ अन अ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। फर्स्ट नहीं, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या? इंटरिम डिविडेंड मतलब जो दो एजीएम के बीच जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो उसको आप इंटरिम डिविडेंड बोल सकते हो। सो डेफिनेटली दोस्तों, जो एजीएम में दिया जाता है उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, एंड बाकी जो डिविडेंड होता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर कर देते हैं। सो कोई भी अप्रूवल यहाँ पे शेयर होल्डर का नहीं लगता है फर्दर डिविडेंड से रिलेटेड। फाइनल डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है। सो एनीवेज, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अभी आप लोगों को डायरेक्टली इंटरिम डिविडेंड 3.25 रुपीज़ पर शेयर मिलने वाला है। तो चलिए अभी रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, अगर इंटरिम डिविडेंड कंपनी देती है मतलब डेफिनेटली कंपनी के पास प्रॉफिट जरूर आया होगा। सो सबसे पहले क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, क्वार्टर टू के रिजल्ट, एंड वापस ये क्वार्टर थ्री के रिजल्ट है जो कि पिछले एक साल के हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे, उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे, एंड देखेंगे कि रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आए हुए हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इनकम। सो कंपनी का जो टोटल इनकम है ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ है। सो 1853 इतना पिछले मतलब इसी टाइम का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है वो आ चुका है 1853 हम लोग बोल सकते हैं रुपीज इन करोड़। पिछले टाइम से कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कि 1864 करोड़ हुआ करता था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है, बट आप सभी लोगों को पता है जो मेन कंपैरिजन होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है, एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें सो वो हुआ करता था 1883। सो हम लोग कह सकते हैं टोटल इनकम तो यहाँ पे डाउन हो चुका है हम लोग बोल सकते हैं, बट आप सभी लोगों को पता है कि इससे कोई भी डिसीजन फर्क नहीं पड़ता है, एक्सपेंस भी देखने के होते हैं। तो एक्सपेंस की बात करें तो इस वक्त कंपनी ने बहुत ही शानदार अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो लगभग 1520 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस कंपनी में हुआ करते थे, बट इस बार कंपनी ने वो मैनेज करके 1500 करोड़ के नीचे यहाँ पे मेंटेन किए, विच इज़ अन 1495 करोड़। सो एक्सपेंस कम किए, इनकम यहाँ पे हम बोल सकते हैं। सो टोटल जो आप लोगों को कंपनी का एनपीबीटी देखने को मिल रहा है वो कंपनी का यहां पे आ चुका है 358 करोड़, जो अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें जो कि 341 करोड़ है उससे ज़्यादा है, एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी बात करें जो 341 करोड़ था, सो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का एनपीबीटी यहाँ पे अच्छा आया हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसी के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट हो जाते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है उसको ही अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे फाइनल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम को भी यहाँ पे इंक्लूड करने के बाद जो आया है प्रॉफिट 318 करोड़ का हम लोग बोल सकते हैं, जो पिछले टाइम 248 करोड़ हुआ करता था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रही है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप है, क्योंकि सिर्फ 250 करोड़ का हुआ करता था जो कि अभी 318 करोड़ का हो चुका है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे ईपीएस भी देखेंगे, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। बेसिक ईपीएस 2.11 है इस वक्त का, पिछले टाइम का क्वार्टर का बात करें तो जो कि 1.92 हुआ करता था, सो इस वक्त का ज़्यादा है आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस भी 1.91 का हुआ करता था, इस वक्त का 2.11 आ चुका है। सो अंदाजा आप रफली देखोगे तो 10-11% तक की ग्रोथ हम लोगों को कंपनी के रिजल्ट में देखने को मिल रही है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो दोस्तों, यही चीज़ सारी कंपनी ने यहाँ पे समरी के फॉर्म में भी यहाँ पे बताई, जो कि अलग पीडीएफ में प्रोवाइड की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे 11% तक का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी बता रही है। उसी के साथ साथ अगर आप और भी डिटेल्स देखना चाहोगे, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, सो 2% इस वक्त का डाउन है, बट EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो 4% यहाँ पे आ चुका है ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर मार्जिन की बात करें तो वो 116 बेसिस पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, जो कि 20.4% देखने को मिल रहा है। एनपीएटी की बात करें, जैसे अभी आप लोगों को बताया 11% तक की ग्रोथ यहाँ पे बता रहा है। इंडियन वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1% तक की गिरावट है, बट ओवरऑल वॉल्यूम की ग्रोथ की बात करें जो कि 2% का इंटरनेशनल के लेवल्स को पकड़ के। सो टोटल अगर इंटरनेशनल कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें जो कि यहाँ पे 10% के आसपास बताए हुए हैं।
सो सारे रिजल्ट को अगर हम लोग ओवरऑल देखते तो जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिजल्ट ठीक ठाक ही आए हुए हैं, कोई भी ऐसे बात नहीं है कि कंपनी से आप लोगों ने एग्जिट होना चाहिए। फिलहाल तो स्टॉक अभी भी मुझे पता है कि बहुत ही नीचे चल रहा है, बट जैसे मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को कहा था आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा खासा शेयर आप लोगों को सस्ते दाम में मिल रहा है। अगर आप उसका ऑल टाइम का हाई भी देखोगे वो कि जस्ट 400 का है एंड उसी के करीब अभी फिलहाल भी कंपनी काम कर रही है। सो दोस्तों अभी हम लोगों ने मैरिको के रिजल्ट देख लिया एंड जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे ऐसी भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही नहीं है, जो कि कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप लोगों ने चिंता करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली शेयर थोड़ा टाइम यहाँ पे हम लोगों को और भी प्रेशर में देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर अभी भी मजबूत उतना ही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से रिजल्ट इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रेजेंट किए हुए। उसी के साथ साथ 3.25 पर शेयर यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरी कंपनी जो है कोलगेट कोलपाल, उसके रिजल्ट कैसे रहे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया है एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। डायरेक्टली शुरुआत करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग एनीथिंग। टोटल इनकम की बात करें तो 115,297, अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर की ये हुआ करता था 1,23,000। सो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस कम थोड़ा सा दिख रहा है, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 110,736। सो डेफिनेटली उसी के अगर हम लोग कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर, तो थोड़ा सा हम लोग को मिक्स देखने को मिल रहा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे जा रहा है बट ईयर ऑन ईयर ऊपर जा रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है टोटल इनकम से यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। एक्सपेंस की भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सो जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 88,500 आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कम हो चुका है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, आप सभी लोगों को पता है, ये तो हम लोग देख ही लेते। अभी हम लोग आ जाते हैं मुद्दे के बात के ऊपर कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी के पास प्रॉफिट कितना हुआ। सो 26,700 इतना कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें जो कि यहाँ पे 27,800 के आसपास आया करता था, सो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर वापस हम लोगों को गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है NPBT में। ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी बात करें तो यहाँ पे वापस हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, बट आप सभी लोगों को पता है ये है NPBT एंड सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद, टैक्सेस के एडजस्टमेंट हो जाने के बाद अगर जो फाइनल डेटा आता है वो प्रॉफिट का अभी हम लोग देख लेते हैं। सो फाइनल कंपनी का जो प्रॉफिट है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद वो है 19,910। यह है इस क्वार्टर का प्रॉफिट। अगर हम लोग ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें जो कि 24,411 हुआ करता था, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुका है एंड उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें जो कि हुआ करता था 19,210। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो डाउन हुआ है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस मार्जिनली यहाँ पे क्या कर सकते हैं और भी थोड़ा सा डाउन, यहाँ पे अप हो चुका है। सो यही चीज़ आप लोगों को EPS के द्वारा इजीली समझ आएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को जूम कर देता हूँ, विजिबिलिटी बहुत ही लो है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए प्रॉपर नहीं दिख रहे। 7.32 का EPS इस वक्त का है, अगर आप कंपेयर करके देख लेना ईयर ऑन ईयर बेसिस 7.06। सो ज़्यादा कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया सामने जो कि हम लोग देख सकते, कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं है बट बहुत ज़बरदस्त बड़ा नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी रिजल्ट के बाद यहाँ पे हम लोगों को मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, उसी के साथ साथ थोड़ा सा ये शेयर प्रेशर में रहेगा, तो आप लोगों ने इसका फायदा जरूर उठाना है। ये शेयर नीचे आता है तो आप जरूर इसमें एंटर कर सकते हो क्योंकि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के रिजल्ट अभी भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओके है एंड यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन सिग्नल में दे सकता हूँ। सो दोस्तों आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिनके भी पोर्टफोलियो में कोलगेट जैसा शेयर है, कोलपाल है, क्योंकि ये मेरे भी पोर्टफोलियो में, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब अगर ये गिरेगा तो बहुत ही तेज़ गिरता है। सो आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए 1300 के लेवल के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को डीप खरीदना है तो 1150 का लेवल, ये भी बहुत ही अच्छा खासा लेवल है। एंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका सबसे स्ट्रांग अगर कोई लेवल है वो है 1000 का लेवल, जो कि इसका ट्रिपल बॉटम वाला लेवल है। 3 बार ये कंपनी वहाँ पर आ चुकी थी एंड उसने जंप लगा दिया था। सो ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मुनाफा वसूली रिजल्ट के वजह से देखने को मिल सकते हैं। वापस बता रहा हूँ रिजल्ट खराब नहीं आए बट जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन से उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल फ्लैट रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पेश कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों मैरिको के साथ साथ
कोलगेट के भी रिजल्ट आपके सामने मैंने पेश कर दिए। मैरिको की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ठाक ही रिजल्ट है। कोलगेट की भी बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी ठीक ठाक रिजल्ट है। ऐसी कोई सिग्नेचर नहीं दिखी, ऐसी कोई साइन नहीं दिखी कि इन दोनों कंपनी से हम लोगों ने एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी मेंटेनेबल जरूर है। तो चलिए अभी फाइनल रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं, एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ चुके इकोनॉमिक टाइम्स टाटा मोटर्स के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे खासे से यहाँ पे प्रेजेंट किए। एंड आप सभी लोगों को पता है फॉन्ट बहुत ही छोटा रहता है रिजल्ट का, तो देखने के लिए आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ओपन कर दिए। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे टाटा मोटर के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, अगर आप देखोगे द फर्म पोस्टेड 1738 करोड़ का प्रॉफिट इन अ मेजर टर्नअराउंड। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बीट स्ट्रीट एस्टिमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि एक ज़माना ऐसा था कि ऑटो सेक्टर के शेयर्स बहुत ही दिक्कतों के साथ जा रहे थे, एंड अभी का ज़माना अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर के शेयर्स यहाँ पे अपने एस्टिमेट्स को बीट करना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये थी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की, जहाँ पे कंपनी ने लगभग 1700 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे बताया हुआ है। एनालिसिस के अगर हम लोग बात करें तो 850 करोड़ तक के प्रॉफिट यहाँ पे प्रोजेक्टेड किया गया था, एस्टिमेट किया गया था, तो उसके तोड़ के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग डबल से भी अगर हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट इस बार कंपनी ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में बता दिए। बट जैसे मैं कहना चाहता हूँ कंपनी ने स्ट्रीट एस्टिमेट को तो बीट किया है, बट अभी भी ऑटो सेक्टर डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, अभी भी वहाँ पे स्लो डाउन बरकरार है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी में और क्या क्या रिजल्ट यहाँ पे पैरामीटर्स के द्वारा बताए गए हैं। फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की पिछले साल की ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था, रिकॉर्ड लॉस दर्ज किया था। अप्रॉक्सीमेटली 26 से 27 हजार करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया था, एंड ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे वन टाइम नॉन कैश चार्ज फॉर एन असेट इंपेयरमेंट लॉस का जो एडजस्टमेंट था वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। AS 28 के अंदर ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया में 36 के अंदर आता है। तो ये बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये एडजस्टमेंट मैंने तभी बता दिया था कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किया था, जो कि था 27,800 करोड़ का, एंड वो इम्पेयरमेंट लॉस के कारण ये जो टोटल लॉस था वो अप्रॉक्सीमेटली 26,992.54 करोड़ का आ चुका था। बट ये खैर पिछले क्वार्टर की बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस की, एंड इसी वजह से अगर आप कंपेयर करोगे इस क्वार्टर के रिजल्ट को तो वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे क्वार्टर थ्री के यहाँ पे रिजल्ट, कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट इन अ क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 20 इवन एज एन अ रेवेन्यू ड्रॉप अराउंड बाय 6.81%। सो रेवेन्यू ड्रॉप हो चुका है, जो कि 76,915 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 71,676 हो चुका है। बट उसी के साथ साथ अगर आप और भी चीज़ देखोगे EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मार्जिन वो भी यहाँ पे 9.9% आ चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर से रिलेटेड सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी लग्जरीज यूनिट, मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टाटा मोटर्स यूके बेस्ड सब्सिडरी JLR जैगवार एंड लैंड रोवर रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ एन अराउंड 372 मिलियन पाउंड। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बात बताई, क्योंकि प्रॉफिट में आ चुकी है, एंड उसी के साथ साथ जो सेल्स ग्रोथ है रिटेल सेल्स ग्रोथ इन चाइना वो यहाँ पे हम लोग उसको जिम्मेदार बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे वो परसेंटेज की बात करें तो वो 24.3% तक यहाँ पे जो रिटेल सेल्स की ग्रोथ है चाइना में यहाँ पे बढ़ चुकी है। उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द न्यू रेंज रोवर ऑल्सो हेल्प द बॉटम लाइन। सो जो कंपनी की JLR रिलेटेड है आप सभी लोगों को बताएं R स्टैंड फॉर LR स्टैंड फॉर लैंड रोवर। सो जो उनकी नया मॉडल है लैंड रोवर का, सो यहाँ पे क्या हो रहा है रेंज रोवर का यहाँ पे क्या हो रहा है उनका डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। सो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, जो कि JLR के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये बात बोली है, बहुत ही अच्छी खासी बात बोली है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि यहाँ पे अभी भी चैलेंजेस बरकरार है, बट उसी के साथ साथ वो यहाँ पे इनकरेज भी हो चुके हैं जिस तरीके से रिकवरी उन्होंने जो चाइना के बिजनेस में यहाँ पे बताई है, एंड जो सक्सेस का कारण है वो एक ही मॉडल है, वो है न्यू रेंज रोवर इवोक। सो उसके कारण ये इनके सेल्स बहुत ही अच्छे खासे हो चुके हैं, एंड उसी के कारण ये इम्प्रूव भी कर दिए फाइनेंशियल रिजल्ट को। अगर हम लोग और भी आगे चीज़ देखते तो जो अचीवमेंट है वो ये हासिल कर सकते हैं, एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा जो नेक्स्ट फेज रहेगा उनका, मतलब क्वार्टर फोर की बात करें तो उनके भी रिजल्ट यहाँ पे अच्छे खासे आ सकते हैं।
अगर हम लोग टाटा मोटर्स के कंपनी की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जैगवार एंड लैंड रोवर का जो ये परफॉर्मेंस है वो और भी कैसे हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ये इम्प्रूव कर सकती है। उसी के साथ साथ कैश फ्लो की भी बात करें तो ये और भी उसको ग्रो कर सकता है। EBIT मार्जिन की भी बात करें विच इज़ एन अराउंड 3%, हाउएवर द डेवलपिंग सिचुएशन विद द कोरोना वायरस कुड हैव अन सम इम्पैक्ट ऑन दिस। सो आप सभी लोगों को पता है कि जो चाइना में कोरोना वायरस आ चुका है उसके वजह से ये ज़रूर इनके लोगों को जो परफॉर्मेंस है उसको तकलीफ पहुंचा सकती है, क्योंकि आपको पता है जैगवार एंड लैंड रोवर का जो सबसे बड़ा मार्केट है जो टाटा मोटर्स का है वो चाइना में ही बना हुआ है। सो डेफिनेटली ये कोरोना वायरस से हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है इनके सेल्स के ऊपर। दोस्तों अभी तक जो सारी बातें हम लोगों ने देखी थी वो थी कंसोलिडेटेड रिजल्ट से रिलेटेड। अगर आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट की भी बात देखनी है तो स्टैंड अलोन में यहाँ पे कंपनी ने पिछले टाइम 617 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बताया था, जो कि इस वक्त लॉस यहाँ पे आ चुका है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। सो ये स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की हम लोग यहाँ बात करें सिंपली सिर्फ टाटा मोटर्स से रिलेटेड। एंड अगर हम लोग बात देखें जो ये क्यों गिरावट हो रही है तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक सेल है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, नीचे जा चुका है, उसके कारण यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है स्टैंड अलोन का खराब हो चुका है। होलसेल की बात करें इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट तो वो भी डिक्रीज हो चुका है लगभग 24.6%, विच इज़ एन अप्रॉक्सिमेटली 129,185 यूनिट्स। अगर स्टैंड अलोन रेवेन्यू की भी बात करें तो वो भी डिक्रीज हो चुका है बाय 33%। अगर अमाउंट की बात करें तो 10,800 करोड़ तक का यहाँ पे स्टैंड अलोन रेवेन्यू आ चुका है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से खराब सिचुएशन, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो सेक्टर अभी भी स्लो डाउन के ही इसमें हम लोग कह नहीं सकते, उसी के साथ साथ कोरोना वायरस और एक एक्सटर्नल इशू क्रिएट हो चुका है टाटा मोटर्स के लिए। एंड टाटा मोटर्स के लिए क्यों हुई, क्योंकि उनके जैगवार एंड लैंड रोवर चाइना में सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं, एंड वहाँ पे जिस तरीके से माहौल अभी तक बना हुआ है उसमें डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट टाटा मोटर्स के सेल्स के ऊपर ज़रूर रहेगा। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे आए हुए, एंड मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे वर्ड पढ़ सकते हो बीट अ स्ट्रीट एस्टिमेट। सो डेफिनेटली अभी ऑटो सेक्टर वापस एक कदम और जो अपने बुरे दौर के यार बाहर आने के लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रिजल्ट बहुत ही शानदार है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बट कोरोना वायरस ये कंपनी के रिजल्ट को और कितना यहाँ पे डिटोरिएट कर सकता है वो भी हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। सो दोस्तों अगर आप लोगों को रिस्क लेना ही है टाटा मोटर्स में, सो डेफिनेटली उसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है 200 का उसके ऊपर आप लोगों की नज़र जमी रहनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखते हो तो 200 को उसने ज़रूर क्रॉस किया था 15 January को अराउंड, बट उसके बाद वापस वो नीचे आ गया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ है। बट रिजल्ट जिस तरीके से पेश किए लॉन्ग टर्म में वो ज़रूर वो 200 का लेवल तोड़ देगा, बट उसमें भी एक कंडीशन लग चुकी है जो कि किसी के हाथ में नहीं, एक्सटर्नल इशू जो है कोरोना वायरस। सो फ्रेंड्स कंक्लूजन के दौर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो तीनों कंपनी के रिजल्ट मैरिको, कोलगेट कोलपाल एंड टाटा मोटर्स, ये तीनों कंपनी के रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने बहुत ही शानदार पेश किए, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।